हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। और बाय द वे सॉरी, मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया और अब किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, सो उसके लिए सॉरी, बट नाउ आई एम बैक। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि थर्सडे से वापस वीडियो डालना शुरू करूँगा, बट टुमरो आई एम गोइंग आउट, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ और शायद थर्सडे को ना लौटूँ, सो इसीलिए आज ये वीडियो जो है वो डाल रहा हूँ। आज के इस वीडियो में आपको एलेक्जेंडर एलेखाइन की एक ब्रिलियंट गेम दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने ब्लैक पीसेस के साथ खेलते हुए जो अपने ओपोनेंट को सिर्फ और सिर्फ 15 मूव्स के अंदर ही बीट कर दिया था। एलेक्जेंडर एलेखाइन के ओपोनेंट थे रोडजेंस की। गेम खेली गई थी 1913 में, जिसमें रोडजेंस की ने गेम की शुरुआत की पोन टू ई फोर, और अब आया पोन टू ई फाइव, नाइट टू एफ थ्री, ई फाइव पोन पे अटैक है, नाइट सी सिक्स एंड नाउ बिशप टू सी फोर। और यहाँ पे हम जो है सिंपली बिशप सी फाइव, नाइट एफ सिक्स खेल सकते हैं, दोनों चीज़ खेली जा सकती है। बट इन दिस गेम एलेखाइन ने जो है पोन टू डी सिक्स खेला, और जहाँ पे वाइट ने खेला पोन टू सी थ्री विथ एन आइडिया ऑफ पोन टू डी फोर, और अब आया बिशप टू जी फोर पिनिंग द नाइट। सो यहाँ पे मोस्ट प्रोबली थोड़ा प्लान ये हो सकता है कि डी फोर जो आता है तब पोन कैप्चर एंड नाइट एफ सिक्स फॉलोड बाय बिशप कैप्चर और नाइट, और डी फोर जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। वह स्टिल डी फोर जो हो यहाँ पे कम्प्लीटली प्लेएबल है, बट यहाँ पे व्हाइट ने खेला क्वीन टू बी थ्री विथ एन आइडिया ऑफ अगर आप बिशप कैप्चर नाइट खेलते हो देन सिंपली बिशप कैप्चर एफ सेवन, किंग हियर एंड क्वीन टू ई सिक्स इज चेकमेट। आप डी सेवन पे जाओ फिर भी वही होगा, क्वीन टू ई सिक्स चेकमेट। सो आफ्टर क्वीन बी थ्री एलेखाइन ने खेला क्वीन टू डी सेवन, एफ सेवन पोन को सपोर्ट किया, और अब आया नाइट टू जी फाइव। सो बेसिकली यहाँ पे तीन अटैक है और दो सपोर्ट है। सो एलेखाइन ने यहाँ पे खेला नाइट टू एच सिक्स, बट इससे पहले एक लाइन मैं आपको दिखा दूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो लाइन है बिशप कैप्चर ऑन एफ सेवन। इसी पोजिशन में बिशप कैप्चर एफ सेवन, जहाँ पे क्वीन कैप्चर एफ सेवन, और वाइट का प्लान ये है कि क्वीन कैप्चर ऑन बी सेवन, जहाँ पे रुक और नाइट दोनों अंडर अटैक है। सो इन केस मैं अपना रुक मूव करता हूँ सिंपली क्वीन कैप्चर नाइट, और इस तरह से जो वाइट है वो दो पोन एक्स्ट्रा आगे हो जाएगा। बट यहाँ पे एक कमाल की मूव आ सकती है, वो है किंग टू डी सेवन, ब्रिलियंट मूव है कि नहीं? कैप्चर एट के बाद बिशप कैप्चर एफ थ्री, पोन कैप्चर एफ थ्री एंड नाउ क्वीन कैप्चर ऑन एफ थ्री, रुक पे अटैक है, सो से रुक जी वन, और अब आ सकता है क्वीन कैप्चर ई फोर चेक, किंग जो है वो डी वन पे, और अब क्वीन टू एफ थ्री चेक वापस। सो पॉइंट ये है कि आप जो है किंग टू सी टू पे नहीं जा सकते, अदरवाइज नाइट टू डी फोर डिस्कवर चेक में जो ब्लैक है वो क्वीन मार सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे किंग ई वन फोर से, बट फिर भी यहाँ पे आएगा नाइट टू डी फोर, सो बेसिकली क्वीन पे अटैक है, सो क्वीन हैज़ टू टेक द क्वीन, अदरवाइज जो ई टू पे चेकमेट हो रही है। सो क्वीन कैप्चर क्वीन, नाइट कैप्चर्स क्वीन ऑन एफ थ्री चेक, और किंग टू एफ वन, नाइट कैप्चर जी वन, किंग कैप्चर जी वन, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक जो है उसके पास एक्स्ट्रा पोन है और उसकी पोजीशन भी अच्छी है। और एक वेरिएशन हो सकता था आफ्टर दिस क्वीन एफ थ्री चेक किंग ई वन, कि ब्लैक जो है पोन टू ई फोर खेलता है, उसके बाद नाइट जो है ई फाइव पे ले जाके डी थ्री पे ले जाके चेकमेट करता। सो एक वो भी प्लान था, बट सिंपलेस्ट प्लान इज किंग ई वन एंड नाइट डी फोर, जहाँ पे ब्लैक है वो एक एक पोन सिंपली आगे हो जाता है, एंड इसकी गेम काफ़ी अच्छी है। सो एनीवेज, इसीलिए गेम में क्या हुआ, क्वीन डी सेवन के बाद खेला गया नाइट टू जी फाइव। सो अब यहाँ पे एलेखाइन ने खेला नाइट टू एच सिक्स, एफ सेवन पोन को सपोर्ट किया, बट अब बिशप कैप्चर एफ सेवन, नाइट कैप्चर एफ सेवन, नाइट कैप्चर एफ सेवन, और क्वीन कैप्चर एफ सेवन के बाद वाइट ने खेला क्वीन कैप्चर्स ऑन बी सेवन, एंड अगेन एलेखाइन ने वही किया, किंग टू डी सेवन, अपना रुक जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बिशप तो एफ थ्री पे कुछ कैप्चर नहीं कर सकता, सो उसके बाद क्वीन कुछ कैप्चर नहीं कर सकती, रुक पे अटैक नहीं आ सकता, सो अटैक कहाँ से आएगा? बट आप देखते जाइए, क्वीन कैप्चर एट, और अब आया ब्यूटीफुल मूव क्वीन टू सी फोर, सो थ्रेटनिंग चेकमेट। और यहाँ पे पोन टू एफ थ्री खेला गया, और अब आया बिशप कैप्चर ऑन एफ थ्री, सो अगेन थ्रेटनिंग चेकमेट, सो पोन कैप्चर एफ थ्री फोर्स, और अब नाइट टू डी फोर। सो अगेन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली क्वीन टू ई टू चेकमेट की थ्रेट है और उसको स्टॉप करना काफ़ी मुश्किल है, सो आपको नाइट मारना ही पड़ता है। अगर आप नाइट नहीं मारते हो, उसे कुछ और करते हो, देन चेकमेट हो रही है, सो से यू आर टेकिंग नाइट ऑन डी फोर, देन क्वीन कैप्चर बिशप चेक किंग एफ टू या फिर किंग ई टू, कुछ भी आप खेलो, सिंपली क्वीन कैप्चर एच वन, और जो
वाइट ब्लैक है उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ, उसे किंग ई टू क्वीन कैप्चर एच वन पॉन टू डी फाइव से ना क्वीन कैप्चर एच टू चेक किंग डी थ्री और किंग जी वन। और यहाँ पे सिंपली जो ब्लैक है उसके पास है सिंपली आउटसाइड पास पोन है जिसको सिंपली बढ़ाते जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे नाइट जो है वो भी पिन है, सो बेसिकली ब्लैक इज़ विनिंग इन ऑल द वेज। सो इसीलिए नाइट डी फोर के बाद वाइट ने एक इंटरमीडिएट मूव के लिए पोन टू डी थ्री। सो आफ्टर क्वीन कैप्चर डी थ्री यहाँ पे पॉइंट ये है कि पोन कैप्चर डी फोर के बाद अब जो है बिशप तो मार नहीं रहे हो, देयरफॉर मेरा सब कुछ सेव हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, क्वीन कैप्चर डी थ्री पोन कैप्चर डी थ्री और नाउ अलेखाइन ने खेला बिशप टू ई सेवन, वेरी सिंपल मूव एंड विनिंग ऑन द स्पॉट, क्योंकि अब थ्रेट है बिशप टू एच फोर चेकमेट की, वो दूसरा है रुक कैप्चर क्वीन। सो यहाँ पे वाइट जो है उसने कुछ आगे खेला ही नहीं, उन्होंने सिंपली खेल दिया क्वीन कैप्चर एच एट और बिशप टू एच फोर एंड इट्स अ चेकमेट। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? अगर आपको ये गेम अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए, अपनी लाइक दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।